और पुलिस भी हुई मुस्तैद। भीलवाड़ा, कोरोना को नेस्तनाबूद करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जी तोड़ प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत पुर थाना अधिकारी मुकेश वर्मा मई टीम के साथ कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैदी दिखा रहे हैं। जानकारी के अनुसार थानाधिकारी वर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम रोकने के लिए जनता को पुलिस मित्र के सहयोग से जनता को जागरूक कर कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं थाना क्षेत्र के गांव मजरे व ढाणियों में फ्लैग मार्च कर जनता को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान थानाधिकारी वर्मा ने बताया कि कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थान पर थूकना इत्यादि के 576 चालान बनाए अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ 1,00,000 रुपए का जुर्माना, 95 वाहन जब्त व 59 लोगों को बिना वजह घूमते हुए क्वारंटीन किया गया। भीलवाड़ा से पॉपुलर न्यूज के लिए ब्रजेश शर्मा के साथ अनिल तिलकी की रिपोर्ट। राजस्थान में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को लेकर राज्य सरकार श्रीमान जिला कलेक्टर भीलवाड़ा और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास जी शर्मा भीलवाड़ा द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन की निर्देशानुसार पालना करवाने के लिए पुलिस पूरे जाब्ते के साथ बड़ी मेहनत और लगन से ड्यूटी कर रही है। जब से ये आदेश जारी हुए हैं उस गाइडलाइन की, कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए, अब तक पुलिस पुलिस द्वारा लगभग 576 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं, जिसके अंदर बिना मास्क घूमना, बिना मास्क दुकानदार द्वारा सामान देना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करना, सार्वजनिक स्थान पर थूकना, ये सभी प्रकार के चालान शामिल हैं। इन चालानों के माध्यम से लगभग 1,00,000 रुपए की जुर्माना राशि विभिन्न लोगों से जमा की गई है। सोशल वाहन जो अनावश्यक रूप से वाहनों को लेकर के बाहर घूम रहे हैं, ऐसे लगभग 95 वाहनों को जब्त किया गया है और 59 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया गया है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब भीलवाड़ा और सीओ साहब भीलवाड़ा के निर्देशानुसार गांवों के अंदर फ्लैग मार्च किया। स्थानीय पुलिस मित्र और सरपंच और जनप्रतिनिधि और मौजूद व्यक्तियों को फ्लैग मार्च में शामिल रखा और लोगों को ये समझाइश की गई कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, मास्क लगाएं। इस काम में हम पुलिस मित्रों का सहयोग भी प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में आज दिनांक को हमारे पास 7 पुलिस मित्र हैं जो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग कर रहे हैं। कल तक ये संख्या और बढ़कर 13 तक पुलिस मित्रों का सहयोग हमें मिलेगा।